हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे कल रात हुए आईपीएल मैच के बारे में। कल रात एक शानदार मैच देखने को मिला हमें। हमने परसों कुछ ऐसे मैच देखे थे जिन्हें देखने के बाद हमारी उंगलियों के सारे नाखून खत्म हो गए थे एक ही हाथ के। हाँ, कल दूसरे उंगली के भी हाथ खत नाखून खत्म हो गए यार। पता नहीं क्या ऐसे आईपीएल में मैच क्यों दिखाए जाते हैं। कल का मैच कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था कि तुम बोलो वाह भाई वाह। कल भाई था हमारे इमोशंस का मैच। अर्जुन तेंदुलकर को तो सब जानती ही हैं भाई, उन्हें कोई जाने या ना जाने, हमारे सचिन तेंदुलकर को तो सब जानते हैं। उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर कर मुंबई के साथ बॉलिंग लाइनअप में एंटर कर चुके थे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपको शुरुआती से बताते हैं कि कल हैदराबाद और मुंबई इंडियन का मैच था, जिसमें हैदराबाद दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली थी। पहले इनिंग में आई मुंबई इंडियन बल्लेबाजी करने के लिए, जिसमें उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। हमारे रोहित शर्मा ने भी ज्यादा रन नहीं बनाए, रोहित किशन ने रन बनाए पर थोड़ी सी एवरेज औसत के साथ। सूर्य कुमार यादव भी यार इस बार फिर एक छक्का लगा के निकल लिए। मुंबई की बैटिंग का भार संभाला तिलक वर्मा ने, जो कि पिछले साल से प्रिंस बने हुए हैं। साथ दिया कैमरन ग्रीन के साथ। कैमरन ग्रीन ने कल ऐसी पारी खेली कि मुंबई को मतलब कायरन पोलार्ड की कोई कमी महसूस नहीं हुई। लास्ट तक जाके 192 का टारगेट उन्होंने बना लिया था। अच्छी बल्लेबाजी कैमरन ग्रीन ने की, तिलक वर्मा ने की। फिनिशिंग रोल उनका शानदार रहा भाई। बात थी बॉलिंग की, फिर उसके बाद तो बॉलिंग भी कुछ मुंबई इंडियन ने काफी शानदार की। अर्जुन तेंदुलकर का खास तौर से हाईलाइट रहा कल की बॉलिंग लाइनअप में। कैमरन ग्रीन भाई कल इन्होंने एक विकेट भी लिया, रन भी 64 मार दिए, यानी कि पूरा पोलार्ड बन गए। बस वेस्ट इंडीज से नहीं थे, इतना अंतर था। तो कल अच्छी बल्लेबाजी अच्छी बैटिंग दोनों ही मुंबई इंडियन की तरफ से देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की तरफ से दोनों ही खराब देखने को मिली। ना उनकी गेंदबाजी में धार दिखी, ना ही बल्लेबाजी में। उनके बल्लेबाजी तो कुछ इस तरीके थी कि तू चल मैं आया वाला फॉर्मूला अपना रखा था। उनके दो बैट्समैन जहां सबसे ज्यादा रनों की जरूरत थी, विकेट संभालने की जरूरत थी, रन आउट हो गए यार। वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाज रन आउट हो गए। और ऐसे ही चलते डायरेक्ट कैमरन ग्रीन भाई, टिम डेविड इनका नाम भी मत भूलना। इन्होंने भाई बैटिंग भी अच्छी किया कैमरन ग्रीन के साथ, और दो डायरेक्ट हिट लगा के दो बल्लेबाजों को पहुंचाया है पवेलियन। तो भाई इनका जीत में काफ़ी अहम हिस्सा रहा। और 20वां ओवर में चाहिए थे 20 रन। हाँ, 20वें ओवर में 20 रन और इन एक्सपीरियंस। जी हाँ, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। अर्जुन तेंदुलकर आए 20 रन बचाने के लिए। और भाई कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने, साथ दिया उनका ईशान किशन ने। अब आप बोलोगे वो क्यों, क्योंकि बेहतरीन विकेट कीपिंग। दो तो ऐसे चौके बचाए पहली तीसरी गेंद पे कि भाई माशाल्लाह मजा आ गया देख के। ईशान किशन की कीपिंग भी देख के अर्जुन तेंदुलकर ने 20 रन बचा लिए। और भुवनेश्वर कुमार का विकेट लेके अपना विकेट में लेने की लिस्ट में अपना नाम भी शामिल कर लिया। सारे प्लेयर मुंबई के खुश थे और मुंबई के फैन तो एकदम वाह वाह भाई वाह वाह। तो चलिए, तो मुंबई इंडियन भाई कल का मैच जीत चुकी है और टेबल में अपना थोड़ा सा नंबर ऊपर कर चुकी है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट के लिए। आईपीएल पसंद है और कल की बैटिंग में बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा।